जय हिंद स्टूडेंट, आरके मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से प्रायिकता सिद्धांत चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हिंदी मीडियम में। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर आए उनको मैं बता दूं, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, 11, 12 कॉमर्स का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से उपलब्ध है, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, थ्योरी मैंने लिखा है, अभी आगे भी मैं आपको बताऊँगा। लाइन से पढ़ना होगा तभी इस चैप्टर को पढ़िएगा, अन्यथा इस वीडियो को आप मत देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा, सवाल आगे बताई जाएगी, जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट होगी तब तक सवाल नहीं आएगी। और पेपर में जो पूछा जाएगा, पेपर में प्रायिकता सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, प्रायिकता से आसे पूछा जाएगा, तो एकदम सटीक। और जिनको लगता है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, मतलब कि स्पीड कम है, तो हमारे ऐप में भी ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का, और यूट्यूब पर भी ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो अपना ज्ञान हमें मत दीजिएगा, आप एक काम करिएगा अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब के माध्यम से या ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो प्रायिकता सिद्धांत क्या कहा गया है, नॉर्मल जीवन में कहा गया है, संभावना या प्रायिकता शब्द आपस में मिलते हैं। कौन कौन से शब्द? संभावना शब्द और प्रायिकता शब्द आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए, याद रखिएगा इतना। परंतु वास्तव में संभावना सिद्धांत का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, वास्तव में जो संभावना सिद्धांत का अध्ययन किया गया 17वीं शताब्दी में कहां पर किया गया, यूरोप में किया गया। यूरोप में किसके द्वारा? जुआरियों से प्राप्त हुआ। वो जुआरी, जुआरी का मतलब जो जुआ लगाते हैं, जो सट्टा लगाते हैं, याद रखिएगा हमारी बात को। संभावना और प्रायिकता दोनों एक है सामान्य भाषा में, लेकिन अगर हम अध्ययन करने की बात आते हैं संभावना सिद्धांत के अध्ययन पर, तो हमको कहां मिलता है, 17वीं शताब्दी में यूरोप में जुआरियों से संभावना सिद्धांत का उद्भव मिलता है, याद रखना हमारी बात को। कहता है जो भाग्य की देवी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना भाग्य में रहेगा तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, भाग्य में रहेगा तो, बहुत सारे लोग कहते हैं भाग्य में, जब तक आदमी मेहनत नहीं करेगा, अवसर को नहीं तलाशेगा, तब तक ना तो नौकरी मिलेगी ना तो कोई रोजगार मिलेगा। हम वीडियो ना बनाएं और यूट्यूब पर ना डालें तो लोग हमको कैसे जानेंगे, लोग हमारे यहाँ पढ़ेंगे कैसे, याद रखना हमारी बात को। इसमें क्या बोला गया है, 17वीं शताब्दी में यूरोप में जुआरियों से प्राप्त हुआ, जो क्या मानते थे, भाग्य की देवी, अंधविश्वास से निराश होकर, भाई लोग क्या मानते हैं, भाग्य में रहेगा, अरे कर्म करोगे तब भाग्य में आएगा, कि बिना कर्म करे, बिना कापी में लिखे पेपर में नंबर थोड़ी मिल जाएगा, अंधविश्वास से थोड़ी नंबर मिल जाएगा, कि कापी में क्या बोलते हैं राम नाम लिख दो, ठीक है, राम नाम लिख के चले आओ और अंधविश्वास से आपको नंबर थोड़ी मिल जाएगा। तो याद रखना हमारी बात को, तो राम का नाम लिख दो या कोई और लिख दो, कोई प्रवचन लिख दो, कोई मंत्र लिख दो, तो कुछ चीज़ें होती हैं अंधविश्वास होती हैं, लोगों को मानते हैं, हम भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो राम थोड़ी कहें कि आप हमारा नाम लिख दीजिएगा कि और आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा और आप आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं, उन्होंने क्या बताया है, रामायण देखोगे तो उन्होंने कर्म बताया है, ठीक है, कर्म किए हैं। तो इसमें क्या होता है, तो अंधविश्वास नहीं मानना है, भाग्य की देवी को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। ये लोग निराश हो गए थे, अंधविश्वास मानते थे, टुटका करते थे, लोग टुटका नहीं करते थे, तो ये लोग निराश हो गए थे। इन्होंने क्या किया, निराश होने के बाद जीतने के लिए तकनीकी अवसर खोजा, इन्होंने तकनीकी अवसरों को खोजने के लिए गणितज्ञों की सहायता ली, इन लोगों ने, याद रखिएगा, गणितज्ञों की सहायता ली, इन समस्याओं के समाधान के लिए किसकी सहायता लेते थे, गणितज्ञों की सहायता लेते थे। गणितज्ञ उस समय कौन कौन से उपलब्ध थे, गैलीलियो, पास्कल, कार्डेनो आदि, ये लोग क्या करते थे, ये लोग गणितज्ञ थे, ये लोग इस समस्या का समाधान करते थे। तो अवसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो गणितज्ञों द्वारा अध्ययन किया गया उसका नाम क्या दिया गया, अवसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो नियम आया, जो थ्योरी आई, उसको क्या बोला जाता है, संभावना। संभावना का मतलब होता है, जैसे आप देखो क्रिकेट खेलते होंगे, हेड आएगा, किट्टे लाएगा, ताश की पत्ती खेलते होंगे, सब ताश वगैरह सब इसमें लगेगा, ताश की पत्ती खेलते होंगे, ताश की पत्ती में क्या आएगा, नहला आएगा कि दहला आएगा कि ईंट आएगा कि बादशाह आएगा कि बेगम आएगा कि इक्का आएगा, सब संभावना होती है, भाग्य नहीं होता इसमें, सबकी संभावनाएं होती हैं। तो इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आगे आप बता रहे हैं 18वीं शताब्दी में क्या होता है, आपको ध्यान देना है, आगे मैंने लिख दिया है 18वीं शताब्दी में क्या होता है, 18वीं शताब्दी में अंतिम भाग 19वीं शताब्दी में संभावना सिद्धांत का शास्त्रीय रुचि का विषय बन गया। जो संभावना होती है, जैसे देखो जिन जाते होंगे शास्त्री, जो बड़े शास्त्री हैं, जो तो जो विचारते हैं, जो भविष्य देखते हैं, वो लोग सांख्यिकी पढ़े रहते हैं, ऐसे ओझा सोखा नहीं, इसे फूंक दे मंत्र वाला नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बातें जो होती हैं अक्सर सच साबित होती हैं, वो अपने पढ़े लिखे के हिसाब से, कुछ संभावनाओं के हिसाब से अपनी बात को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं। तो हम समझिएगा 19वीं शताब्दी में क्या बन गया, संभावना सिद्धांत शास्त्रीय रुचि का विषय बन गया। शास्त्रीय मतलब जो शास्त्र पढ़े होते हैं, ठीक है, जो विचारते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं बड़े स्तर पर, मतलब होता है जिनकी अपनी ख्याति है, अपनी गुडविल है। अभी हम देख रहे थे तो एक हैं, आजकल यूट्यूब चैनल चल ही रहा है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तभी एक
शास्त्री हैं, उन्होंने बताया था कि बीजेपी की जो सरकार है उसके बुरे दिन चलने वाले हैं। तो वास्तव में उसके बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि ना राज्यों के अंदर, राज्यों में जो सरकारें आई होंगी, चुनाव जो अभी एमपी में होगा, छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, राजस्थान में चुनाव होगा, और होगा अभी कर्नाटक तो हो गया है। तो बहरहाल जो लोग वीडियो देखे रहेंगे वो लोग तो समझ पाएंगे। उन्होंने कहा इनके मतलब लक्षण बुरे चल रहे हैं। अब भविष्यवाणी क्या सही होती है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लोग संभावनाओं के हिसाब से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि भैया तुम जीत जाओगे, कोई ऐसा प्रधानी का चुनाव हो रहा है, कोई ऐसा कैटेगरी का है जिसको 10 वोट मिलने के चांस नहीं है, आशीर्वाद दे रहे हैं जीत जाओगे। यहाँ पर संभावनाएं तलाशी जाती हैं। इस समय कौन थे 19वीं शताब्दी में? लाप्लास, गॉस, डी मायवरे, निकोलस बर्नौली, यूलर ने इस सिद्धांत को विकसित किया 19वीं शताब्दी में। तो विकसित अकेले नहीं किया, इसका प्रयोग किया जाता है कर संरचनाओं में। कर वित्तीय का मतलब होता है जो सरकार होती है, सरकार को कितना टैक्स के माध्यम से पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या किया जाता है, संभावना तलाशी जाती है, इसी के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य क्या होगा लोगों का, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जियेंगे, यहाँ पर भी क्या होता है, अध्ययन किया जाता है, तलाशा जाता है औसत। आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक, व्यवसाय में हमारा व्यवसाय कैसे होने वाला है भविष्य में, राजनीति में ना, सैनिक क्षेत्रों में समस्याओं को किससे हल किया जाता है, प्रायिकता सिद्धांत के माध्यम से हल किया जाता है। 20वीं शताब्दी में आर ए फिशर, जो आप फिशर का गुणांक पढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन पढ़ते हैं, 20वीं शताब्दी वाले जो हम लोग बुक पढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक पढ़ोगे, फिशर का पढ़ोगे इंडेक्स नंबर, इन लोगों ने भी, जे लेमन ने भी, इन लोगों ने क्या किया है 20वीं शताब्दी में भी, इन लोगों ने अध्ययन किया और विकास करने में इसका योगदान दिया। तो परिभाषा एक कही गई है, कहा गया संभावना सिद्धांत का महत्व केवल ताश अथवा पासा खेलने वालों के लिए ही नहीं है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ताश वाले में, जिसे हमने एग्जांपल भी इसके पहले बताया था, ताश वाले में ही और पासा वाले में ही नहीं होता है। इसका सिद्धांत कहाँ होता है? इसका सिद्धांत होता है उन कार्यशील व्यक्तियों, उद्योगों, सेना नायकों, अध्यक्षों, मतलब कि हर जगह है जहाँ पर अवसर होते हैं, जहाँ पर अवसरों की खोज की जाती है, जहाँ पर जोखिम होती है, व्यवसाय में होता है, राजनीति में होता है, सेना में होता है, आर्थिक जो भी क्रियाएँ होती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कहा गया है प्रायिकता या संभावना सिद्धांत का प्रयोग उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ क्या होती है, अनिश्चितता जहाँ होती है वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में इतना लिख लीजिएगा, मतलब कि याद रखना है क्या बोला मैंने, जहाँ पर अनिश्चितता अधिक होती है वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं अवधारणा। क्या अवधारणा? आधारभूत अवधारणा। हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं प्रायिकता सिद्धांत चैप्टर। आपको मैंने प्रायिकता के बारे में छोटी चीज़ें बता दी, जो बेसिक है, जो इतिहास है, जहाँ से प्रायिकता आया। अब आपको क्या पढ़ना है, प्रायिकता सिद्धांत में आधारभूत अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्या बोला गया है? यादृच्छिक या दैव प्रयोग। यादृच्छिक या दैव प्रयोग किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी अवसर है, हमारे पास कोई भी अवसर है, उनमें से कोई एक आएगा, हाथ में आएगा। हमारे पास कई अवसर हैं, जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा, उसको बोलते हैं दैव, ठीक है। क्या बोला गया, एक ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, क्या बोला है, सॉरी, जीवन के प्रत्येक पहलू में दैव तत्व तो उपस्थित रहता है, जीवन के प्रत्येक पहलू में। इसमें क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है उसके परिणाम अवसर पर निर्भर करते हैं, जो उसके परिणाम होते हैं उसके अवसर पर निर्भर करेंगे कि परिणाम क्या आएगा, अभी समझ जाओगे खुद। सभी संबंध परिणाम पूर्व ही ज्ञात होते हैं, पहले से ही ज्ञात होता है आपको। जैसे मैंने क्या, सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा यह नहीं मालूम होता है, वो अवसर पर ही निर्भर करता है। परंतु पूर्व निर्धारण इसका नहीं किया जा सकता। सिक्के में हेड और टेल का एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण लिखा है, पासा फेंकते हो, लूडो खेलते हो, लूडो आजकल मोबाइल से, लूडो जुपी लूडो आता है ना मोबाइल में, उसमें क्या होता है, लूडो जब फेंकते हो, पासा उसको बोलते हैं जो फेंकते हो, आप बटन दबाते हो, एक कंडीशन होती है, पहली कंडीशन की एक आएगा ना, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दो आएगा। अच्छा मालूम होता है किसी में से आना है। तीसरी कंडीशन होती है तीन आएगा। चौथी कंडीशन होती है चार आएगा। पांचवी कंडीशन होती है पांच आएगा। छठी कंडीशन होती है छह आएगा। आएगा कि नहीं, ये सब मालूम होता है हमको पहले से, ये सब हमको मालूम होता है, लेकिन हम लोग पहले से
निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इसको याद रख लीजिए, इसको बोलते हैं दैव प्रयोग। सवाल पढ़ोगे चिंता मत करिएगा, ताश का भी काम लग सकता है, ठीक है। हम ताश नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे 52 पत्ते होते हैं, 4 इक्का होता है, 4 बेगम होता है, 4 बादशाह होता है, 4 सबकी पत्तियाँ होती हैं, 4 दहिला होता है, 4 नहिला होता है। तो याद रखना, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रतिदर्श समष्टि या समूह, परिणामों का समूह होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। कोई पासा फेंका जाता है, जब एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इसमें एक सिक्का फेंका जाए या एक पासा फेंका जाए, सिक्का फेंको तो क्या आएगा, चित पट, चित का मतलब हेड, पट का मतलब टेल, और पासा फेंकोगे तो क्या आएगा, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से एक साथ अगर फेंका जाए तो इनमें से ये सारी चीजें आ सकती हैं। यही चीज इसमें बताया गया है कि मतलब अगर आप सिक्का फेंकोगे तो 2 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, अगर आप पासा फेंकोगे तो 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। अगला है असतत प्रतिदर्श समष्टि, इसमें क्या है, अवयवों की संख्या या तो परिमित हो या तो अपरिमित हो, जिन्हें धन पूर्णांक में लिखा जा सके। उदाहरण के लिए एक सिक्का और एक पासा जब साथ साथ फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकता है। इसमें कहा गया है अगर सिक्का और पासा साथ साथ फेंका जाए तो कहा गया है हेड आ सकता है ना, हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। तो इसको इतना ही लिखना है आपको, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा प्रायिकता का अर्थ किसे कहा जाता है, इसको पहले इतना लिख लीजिए, इसी वीडियो में आप समझ लीजिए प्रायिकता का अर्थ एवं परिभाषा, इतना बता देते हैं, ठीक है। अभी तक सिद्धांत था, अब अर्थ एवं परिभाषा, इसको लिख लीजिएगा। ध्यान देना है, प्रायिकता की परिभाषा एकदम छोटी सी होगी। प्रायिकता का प्रयोग सामान्य जीवन में किया जाता है, जैसे कल बहुत तेज वर्षा होगी, बॉल बहुत तेज गर्मी पड़ेगी ना, कल भी ट्रेन लेट हो जाएगी, ठीक है। तो लॉटरी से जीतने की संभावना, कौन सा व्यक्ति, अमुख व्यक्ति कौन लॉटरी से जीत सकता है, कौन चुनाव जीत सकता है, कौन सी क्रिकेट टीम मैच जीत, कोई भी क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो, मैच जीत सकती है, हम स्टूडेंट फेल हो सकता है, पास हो सकता है, इसको हम लोग पर डे करते हैं, ठीक है। प्रायिकता क्या कहता है, प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं को घटने की एक संभावना व्यक्त करता है। प्रायिकता क्या कहता है, अनिश्चित घटना है घटने की एक संभावना व्यक्त करता है। इसके बाद हम आपको सवाल बताएंगे।